Hi everyone, today we are going to talk about a very important topic, that is pollution. पॉल्यूशन हमारे यू जी सी एन टी नेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे मोस्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल. हम वही टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, हम वही पार्ट डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एंड जिनके चांसेस आने के बहुत ज़्यादा हैं इस बार यू जी सी एन टी नेट एग्जाम में. अभी रिसेंटली वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी हुआ है जिसकी थीम थी बीट द हीट, सो ये टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो आपके सारे डाउट्स पोल्यूशन को लेके, सारे जितने भी इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं उन सबको लेकर डाउट्स जो भी हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज वी विल बी फोकसिंग ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स विद फुल एक्सप्लेनेशन. एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पर हम डेली मॉक टेस्ट पेपर लेते हैं 11 बजे भी एंड 4 बजे भी. 10-10 के क्वेश्चन का क्विज होता है फॉर ऑल ऑफ यू, सो डू ज्वाइन अवर ग्रुप्स जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट दी डिस्कशन ऑन पोल्यूशन. सो पोल्यूशन एज अ टॉपिक समझना बहुत ईजी है. पोल्यूशन को जबकि हिंदी में बोला जाता है प्रदूषण. सो ये चीज़ ऐसी है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में चल ही रही है, जिसकी प्रॉब्लम जो कि एक ग्लोबल इशू बन चुका है. सो ये प्रॉब्लम को समझना, ये टॉपिक को समझना थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता है, बिकॉज दिस इज समथिंग गोइंग ऑन एंड दिस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है ये चलती ही जा रही है. तो ये इस प्रॉब्लम में, पोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है फ्रॉम आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमें यहाँ फोकस करना है कि हमारे यूजीसी के एग्जाम में क्या क्या आ सकता है एंड हमें वही फोकस करना है. सो पोल्यूशन के पहले हम जानते हैं डेफिनेशन क्या है. सो व्हाट इज पोल्यूशन, पोल्यूशन होता क्या है. इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ सच सब्सटेंसेस विच आर हार्मफुल, जो कि हार्मफुल है एंड पॉइजनस है फॉर दी एनवायरमेंट एंड हैज नेगेटिव इफेक्ट्स. पोल्यूशन वो चीज़ है जिसके हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे एनवायरमेंट में गलत इफेक्ट आते हैं, हार्मफुल इफेक्ट आते हैं, पॉइजनस इफेक्ट्स आते हैं एंड जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए, फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो दे आर वेरी हार्मफुल, वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है जिसके नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं. सेकेंडली इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पॉलिटोनियम. ये जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड पॉलिटोनियम विच मीन्स टू मेक डर्टी, जिसका मतलब है टू मेक डर्टी, कोई चीज़ को डर्टी बना देना. नाउ द थर्ड वन इज इट इज़ एन अनडिजायरेबल चेंज इन द एयर, लैंड, वाटर विच कॉज इट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन अवर लाइफ. सो दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर एंड ये जो डेफिनेशन है तीनों ये बहुत ही क्लियर है. पोल्यूशन जो है वो हार्मफुल चीज़ होती है, पोल्यूशन कहाँ से डिराइव किया है एंड पोल्यूशन जो है वो हमारी वाटर, एयर, लैंड, सॉइल, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. तो जो पोल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन है वो हम सब जानते हैं. सो यहाँ पर पोल्यूशन किस कितने तरीके के होते हैं, दैट इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, बायो पोल्यूशन. तो ये थे पोल्यूशन के टाइप्स. बट हमारा जो मेन क्वेश्चन आता है वो यहाँ से नहीं आएगा. ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन. हमारा मेन फोकस यहाँ से होता है स्टार्ट, कि इनकी डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पोल्यूशन के जो पोल्यूटेंट्स हैं उनसे क्या होता है, उनसे कौन सी डिजीज होती है या फिर उनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं. हमारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम्स के. तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कहाँ से क्वेश्चन हमारा बनेगा. सो फर्स्ट टॉपिक इज एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यू जी सी एन टी नेट एग्जाम. ये वाला सेक्शन ज़रूर पढ़ के जाएँ, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं. पोल्यूशन में जो आता है फर्स्ट वाला पार्ट, डैट इज एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं वो पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज क्वेश्चन मोस्टली यहीं से आएंगे और इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो द फर्स्ट वन इज इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन जो है सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन है. देखिए इंडिया में आप कहीं भी चले जाइए, इवन वर्ल्ड में भी, चाइना देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, यूएस देख लीजिए, हर जगह सबसे ज़्यादा जो चीज़ बढ़ रही है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोल्यूशन इन ईच ऑफ दिस कंट्रीज इज एयर पोल्यूशन. जब भी हम ग्लोबल इंडेक्स देखते हैं, ग्लोबल एयर इंडेक्स देखेंगे, उसमें हमेशा एयर पोल्यूशन की सबसे ज़्यादा बात करी जाती है. जहाँ पर पोल्यूशन लाइक इंडस्ट्री से होता है, पोल्यूशन व्हीकल से होता है, सबसे ज़्यादा इश्यूज़ यही बोले जाते हैं. लाइक इंडिया में जब दिल्ली में ऑड वन आउट का सिस्टम हुआ था, वो भी मेनली एयर पोल्यूशन के लिए हुआ था, बिकॉज द मेजर क्राइसिस इज एयर पोल्यूशन. तो जब जो सबसे इंपॉर्टेंट पोल्यूशन है दैट इज एयर पोल्यूशन. तो इसके सबसे ज़्यादा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और आया भी है, कि द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन आर व्हीकल्स. जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, आपकी कार हो गई, बसेस, इन सबसे ज़्यादा होता है
एयर पोल्यूशन. सो व्हीकल्स आर द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन विच रिलीज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिनसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती. अब सो यहाँ क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, दे कैन आस्क अबाउट द पोल्यूटेंट एंड दे कैन आस्क अबाउट द रीजन, कि मेन रीजन क्या है. तो मेन रीजन में क्या जाएगा, व्हीकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स, एंड मेन पोल्यूटेंट में क्या जाएगा, CO. तो CO इज द मेन पोल्यूटेंट, जिसका फुल फॉर्म भी याद करना जरूरी है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. नाउ द थर्ड पॉइंट इज नेचुरल कॉजेज क्या है. क्या पता आपके एग्जाम में यह भी आ सकता है, दे मे आस्क यू व्हाट आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. तो उसमें आंसर क्या जाएगा, वॉल्केनिक इरप्शन, दैट इज डस्ट, एश, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. देन द सेकेंड वन इज एरियल पॉल्यूटेंट्स, जो कि कहाँ से आते हैं, एस्टेरॉइड से बनते हैं. देन कम्स ग्रीन प्लांट्स, फंगस, दे ऑल्सो जनरेट हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स सच एज CO2, फंगी. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर पॉल्यूशन, दैट इज मेजर पॉल्यूटेंट्स एंड अफेक्ट. यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठते हैं आपके UGC एंटी नेट एग्जाम में. ये सेक्शन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये पॉल्यूटेंट अगर है तो इसका डिजीज़ क्या होगा, अगर ये पॉल्यूटेंट है तो इसका पूरा नेम क्या होगा, अगर इस पॉल्यूटेंट के बारे में पूछा है तो इसके मेजर इफेक्ट्स क्या होंगे. तो ये वाला पार्ट पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड. सो एयर पोल्यूशन का जो पहला पोल्यूटेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. इट इज़ द टॉप मोस्ट कॉज, ये सारा हमने अभी पढ़ लिया है. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, कार्बन मोनोऑक्साइड को सफोकेटिंग गैस भी बोला जाता है, जिसमें सफोकेशन फील होता है. सो अगर क्वेश्चन आता है विच गैस इज कॉल्ड सफोकेटिंग गैस, विच एयर पोल्यूटेंट इज कॉल्ड सफोकेटिंग गैस, सो योर आंसर विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO. सो इसके मेन इफेक्ट्स क्या क्या हैं, इफेक्ट्स में आता है, इट कम्स इनसाइड द बॉडी थ्रू इनहेलेशन एंड डिक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इन द ह्यूमन बॉडी एंड ऑक्सीजन. सो यहाँ आप क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हीमोग्लोबिन कौन सी गैस से कम होता है, कौन सा वो पोल्यूटेंट है जो हीमोग्लोबिन को कम करता है एंड ऑक्सीजन को कम करता है, सो दैट विल बी CO. नाउ द सेकेंड वन इज सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट. एंड ये होता है, इट इज यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज में इसको यूज किया जाता है. सो यहाँ जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज, अब यहाँ क्वेश्चन अगर आता है कि ताजमहल को कौन सी गैस पोल्यूट कर रही है, ताजमहल को कौन सी गैस हार्मफुल कर रही है, तो इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड. एंड इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, अस्थमा, लंग डिजीज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सेकंड मोस्ट हार्मफुल गैस इन टर्म्स ऑफ आईज, इरिटेशन, फर्स्ट इज पैन. सो अगर क्वेश्चन आता है कि विच गैस इज वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल फॉर आईज बिसाइड्स पैन, तो आंसर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड. एंड फर्स्ट क्या है इसमें, पैन का नाम आता है. देन इट कैन डिसइंटीग्रेट द स्टोन. अब क्वेश्चन आता है कि विच गैस कैन डिसइंटीग्रेट द स्टोन, सो द आंसर विल बी सल्फर डाइऑक्साइड. नाउ द फोर्थ वन इज, इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी. अब यहां क्वेश्चन अगर आता है कौन सी गैस मेटाबॉलिज्म को कम करती है, सो द आंसर विल बी सल्फर डाइऑक्साइड. इट हार्म्स द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स सिंस इट रिड्यूसेस द ग्रीन लेयर ऑफ प्लांट्स. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, विच एयर पोल्यूटेंट कैन कॉज रिडक्शन इन द ग्रीन लेयर ऑफ प्लांट्स, सो दिस विल बी सल्फर डाइऑक्साइड. इट ऑल्सो हार्म्स एवरी वन, ह्यूमन्स, प्लांट्स और एनिमल्स. सो ये गैस ऐसी है जो सबको हार्म करती है, वेदर ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स और एनिमल्स, कोई भी हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो और ह्यूमन बींग्स हो, दिस गैस विल अफेक्ट एवरी वन. सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स, जो कि पढ़ के ही जाने हैं एग्जाम के लिए. देन कम्स बेंजेन. सो बेंजेन क्या करती है, इट कॉजेज ब्लड कैंसर. अब क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में कौन सी गैस है जिससे ब्लड कैंसर होता है, तो आंसर क्या होगा, बेंजेन. Then comes methane. Methane is also very important. अब यहाँ question आता है which gas causes greenhouse effect? कौन सी गैस जो है वो इफेक्ट करती है ग्रीन हाउस को, सो द आंसर विल बी मिथेन. एंड मिथेन से क्या क्या होता है, और मिथेन से स्ट्रेटोस्फेयर में भी इफेक्ट्स आते हैं. एंड इट इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर. एंड जो नेचुरल गैस लीक है, कंबशन आर ऑल्सो इट्स सोर्सेज. तो मिथेन अब मिलती कहाँ कहाँ है, मिथेन मिलती है फ्रॉम डंग एंड रोटिंग वेजिटेशन से. सो ये था मिथेन. देन क्लम्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनके इफेक्ट जानना भी बहुत जरूरी है. सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो सोर्सेज है, दीज आर सॉल्वेंट्स, aerosols, propellants, refrigerants. And chlorofluorocarbons के effects क्या क्या हैं, it causes destruction of stratospheric ozone. ये ozone को बहुत ज़्यादा deplete करती है. So if question comes which air pollutant cause
depletion in ozone layer, your answer will be CFCs, that is chlorofluorocarbons, and it also causes skin cancer. अगर question आता है which gas, which air pollutant causes skin cancer, your answer will be chlorofluorocarbon. Then the next point is carbon dioxide. So carbon dioxide कहाँ मिलती है? Fossil fuel and wood combustion से. कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कहाँ से होती है? सो इट गेट्स जनरेटेड बाय फॉसिल फ्यूल एंड वुड कंबशन. एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैस. ये मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैस है जो कि हर एक ह्यूमन बींग के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर मेकिंग फूड, खाना बनाने के लिए जो गैस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. अगर क्वेश्चन आता है विच गैस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग फूड, योर आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड. देन कम्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड. सो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या क्या होता है? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. गम ब्लीडिंग, निमोनिया, लंग कैंसर. सो लंग कैंसर, निमोनिया, गम ब्लीडिंग किसके कॉजेज हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड के. एंड ड्यू टू नाइट्रोजन एमिशन कॉज बाय शिप्स, इट कॉजेज रिडक्शन ऑफ ओजोन लेयर. सो ये पॉइंट भी याद करना बहुत ज़रूरी है कि जो शिप से नाइट्रोजन के एमिशन निकलते हैं, उनसे जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, तो ये जो कॉज है ये सारे पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आएगा. दे विल गिव यू ईदर देयर कॉजेज एंड दे विल आस्क द पोल्यूटेंट्स. सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स फॉर एयर. नाउ द अदर पोल्यूटेंट्स आर मेटेलिक ग्रैनुलर सब्सटेंसेस सच एज लीड, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक, कैडमियम. सो ये और भी हैं जो एयर पोल्यूशन करते हैं. लीड डैमेजेस द ह्यूमन ब्रेन, पल्स एंड किडनी. अब क्वेश्चन अगर आता है विच पोल्यूटेंट कॉजेज फेलियर ऑफ किडनी, पल्स एंड ह्यूमन ब्रेन, योर आंसर विल बी लीड. देन कम्स कैडमियम. कैडमियम से क्या होता है? इट डैमेजेस रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन डैमेज करेगा? दैट विल बी कैडमियम. तो अब ये वाला पार्ट तो हमारा मेटेलिक का, कि ये सारी चीजें मेटेलिक के अंदर आती हैं, ये सारे पोल्यूटेंट्स मेटेलिक के अंदर आते हैं. नाउ कम्स द अदर वन, दैट इज नॉन मेटेलिक. कि नॉन मेटेलिक में क्या क्या आते हो? ये सारी चीजें जो हैं वो नॉन मेटेलिक में आते हैं, सिलिका एंड ऑल, जिनमें लंग टिश्यूज से लेकर स्केरिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है. तो ये था पार्ट एयर पोल्यूशन का, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं एंड जो इनके इफेक्ट्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं. आपसे वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है या फिर कितने टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं. क्वेश्चन अब डिटेल में आते हैं, एंड इन डिटेल्स में पोल्यूटेंट एंड उनके इफेक्ट्स पढ़ना ज़रूरी है, एंड उनकी डिजीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू प्रॉपरली. Now comes the water pollution. So water pollution is the second most important pollution जिससे question exam में frame होते हैं. So let's see, more than half of the species live in some form of water. अब हमारी earth का जैसा division है, 70% जो है water ही है. So water is very important, and water में जो pollution हो रहा है वो भी बहुत important है, because बहुत सारी जो species हैं, जो aquatic चीज़ें हैं, वो सारी पानी में रहती हैं, एंड उनके साथ कैसे कैसे पोल्यूटेंट आ रहे हैं, एंड कैसे कैसे देयर इज हार्म गोइंग ऑन. सो वी हैव टू स्टडी दैट प्रॉपरली. सो इट इज अनदर टाइप ऑफ पोल्यूशन दैट नीड्स टू बी कर्ब्ड. द मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन इज सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट. सो यहाँ पर जो मेन कॉज है वाटर पोल्यूशन का, दैट इज इंडस्ट्रियल सीवेज, सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट. सो ये जो मेन है, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, सो दिस विल बी द आंसर. ये स्ट्रेट स्ट्रेट आंसर वहाँ पर जाएगा, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स. अब जो अदर उसके कॉजेज आते हैं, पोल्यूटेंट्स आते हैं वाटर पोल्यूशन के, दीज आर सोप, सीवेज स्लज, गार्डन वेस्ट, मेटल्स, डिटर्जेंट एंड एक्सक्रीटा. तो ये होंगे अदर कॉजेज. सो मेन कॉज क्या हुआ? सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज, म्यूनिसिपल सीवेज. नाउ लेट सी द वाटर पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स इन डिटेल्स, बिकॉज क्वेश्चन मोस्टली, जैसे कि हमने बताया था, पोल्यूटेंट से ही आता है. सिमिलरली लाइक एयर पोल्यूटेंट्स, नाउ वाटर पोल्यूटेंट. सो द फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल वेस्ट लाइक क्लोराइड, सल्फाइड, नाइट्रोस. अब इनसे होता क्या है? रिड्यूस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन वाटर. सो ये जो तीन चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, लाइक क्लोराइड हो गया, नाइट्रोस हो गया, सल्फाइड हो गया, इनसे जो है वाटर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, जिनसे फिशेस भी मर जाती हैं, विच ऑल्सो कॉज
द डिप्लेशन ऑफ फिशेज, रिडक्शन ऑफ फिशेज इन द वॉटर. सेकेंड वन इज कैडमियम पॉल्यूटेंट. नाउ कैडमियम पॉल्यूटेंट से क्या होता है, इट कॉजेज इटाइटाई डिजीज एंड ऑल्सो कॉजेज लिवर एंड लंग कैंसर. देन कम्स नाइट्रेट इन ग्राउंड वाटर. नाइट्रेट से क्या होता है, इट कॉजेज मेथेमोग्लोबिन एंड बेबी सिंड्रोम डिजीज इन न्यू बॉर्न बेबीज. अब क्वेश्चन अगर आता है कि न्यू बॉर्न बेबीज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कौन सी वाटर पोल्यूटेंट क्रिएट करती है, सो योर आंसर विल बी नाइट्रेट इन ग्राउंड वाटर. नाउ द अदर वन इज मर्करी डिजॉल्व इन वाटर. अगर मर्करी वाटर में डिजॉल्व हो तो क्या होगा, मिनामाटा डिजीज. इससे क्या होगा, मिनामाटा डिजीज हो जाएगी. लाइक एर्सेनिक अगर होता है वाटर में डिजॉल्व जो कि वाइट पाउडर जैसा दिखता है, उससे क्या होगा, ब्लैक फुट की प्रॉब्लम. अगर क्वेश्चन आता है विच पोल्यूटेंट कॉज ब्लैक फुट प्रॉब्लम, योर आंसर विल बी व्हेन एर्सेनिक इज डिजॉल्व इन वाटर. नाउ द अदर वन इज फ्लोराइड. फ्लोराइड नेचुरल वाटर पोल्यूटेंट है, उससे क्या होता है, बोन्स में मसल्स में प्रॉब्लम आती है एंड इट ऑल्सो कॉजेज फ्लोरोसिस एंड कैंसर. नाउ द लास्ट वन इज डिटर्जेंट्स, जो कि सीवेज के थ्रू आते हैं, इनसे क्या होता है, बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. नाउ इफ क्वेश्चन कम्स दैट बायोडिग्रेडेशन जो होता है सब्सटेंसेस का वो कहाँ से होता है, सो दिस विल बी डिटर्जेंट्स, जो कि कहाँ से आ रहा है, सीवेज से आ रहा है. नाउ द थर्ड वन इज सॉइल पोल्यूशन, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं लैंड पोल्यूशन भी. सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन इज इंडस्ट्रियल वेस्ट. अगर क्वेश्चन आता है दैट विच वन from the following option is the major cause of soil pollution, so your answer will be industrial waste. Now it includes chemicals, agricultural pesticides, fertilizers and insecticides. So kya kya include hota hai soil pollution mein, chemicals, agricultural pesticides, fertilizers and insecticides. And jo natural causes hain wo kya kya hai, air, heavy rain, volcano, earthquakes, they cause pollution in soil. Because obviously volcano जो है, earthquake हो गया, ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये चीज़ें land से आती हैं, ये चीज़ें soil से ही निकलती हैं. So obviously they will be the causes. Now the other causes are oil spills, plastic bags, bottles, cement, bricks, paints. So these are the other causes of soil pollution. Now the major pollutants. पॉल्यूटेंट्स क्या है मेजर, जो इफेक्ट करते हैं, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दीज आर लीड, मर्करी, एर्सेनिक, कॉपर, जिंक, निकेल. सो दीज आर द मेजर सॉइल पॉल्यूटेंट्स. नाउ द इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, एग्रीकल्चर एंड सॉइल कंपोजिशन, इट जो ये बहुत इफेक्ट करता है एग्रीकल्चर एंड सॉइल के कंपोजिशन. इट ऑल्सो हार्म्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ये तो हम सबको आई गेस स्कूल डे से ये चीज़ है पता कि अगर सॉइल पोल्यूशन होता है तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कम हो जाती है, तो ये तो कॉज सबसे कॉमन है. देन नाउ द लास्ट वन इज इट ऑल्सो हार्म्स द एयर एंड वाटर. ये एयर एंड वाटर को भी हार्म करता है, जो इसके कंपोजिशन होते हैं, जो इसमें मेजर इसके जो हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं वो एटमोसफेयर में भी जाके मिल जाते हैं और इसके केमिकल्स कई बार वाटर में भी मिल जाते हैं. सो दिस वॉज सॉइल पोल्यूशन. नाउ द फोर्थ वन इज साउंड पोल्यूशन, जिसको नॉइज पोल्यूशन भी बोला जाता है. सो द हेयरिंग ऑफ मोर देन 90 डेसिबल इज डेंजरस टू द ईयर. अगर क्वेश्चन आता है कि किससे ज़्यादा सुनना कानों के लिए ठीक नहीं है, सो दिस विल बी 90 डेसिबल. Now the causes are industrialization, big machines, more noise, transportation, vehicles, aeroplane, trains, man-made noises, horns, jackhammers, social events, loud music, parties, pub, desk, place of worship, poor urban planning, mining, construction, fight over parking, large families in small space. So ye bahut hi common causes hai. Like industrialization mein noise zyada hoti hai because of machines, car mein horns hote hain, ye bhi causes ho jata hai. Transportation mein cheeze aati hain, social events mein loud music hai, parties ho rahi hain, to ye sare bahut hi common causes hain साउंड पोल्यूशन के, जो कि हम सबको पता है. एंड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, देखिए इसमें बहुत ही कॉमन चीज़ है, अगर कोई चीज़ बहुत लाउड है आपके एयर्स को इफेक्ट कर रही है तो उससे क्या होगा, हेयरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, हेयरिंग पावर वीक हो सकती है. सो दिस विल बी कैन लीड टू हेयरिंग प्रॉब्लम्स. हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकती है, अग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, कम्युनिकेटिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग पीपल. अब कहीं पर वॉइस ज़्यादा है, कहीं पार्टी हो रही है, यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन ईजिली. सो दीज आर द कॉजेज. वाइल्ड लाइफ को भी इश्यूज हो सकते हैं.
सो नाउ द फिफ्थ वन इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. सो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पोल्यूशन विच कैन कॉज परमानेंट इफेक्ट्स. ये ऐसा पोल्यूशन है जहाँ पर परमानेंट इफेक्ट आ सकते हैं. एंड जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं इसके वो क्या है, यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम. सो दीज आर द थ्री मेजर पोल्यूटेंट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, चार ऑप्शन दिए जाएं, उसमें ये तीनों जो मेन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के पोल्यूटेंट्स हैं इनका नाम दे दिया जाए एंड एक अलग से दे दिया जाए लाइक मीथेन, सो योर आंसर विल बी मीथेन बिकॉज इट इज नॉट द पोल्यूटेंट ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन बट दीज थ्री आर. एंड द थ्री मेजर रेज विच कम अंडर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन आर अल्फा, बीटा, गामा. सो ये भी याद रखनी है. नाउ इससे क्या क्या डिजीज हो सकती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना, दैट इज ब्लड कैंसर, बोन कैंसर एंड बोन ट्यूबर क्लोसिस. सो दिस वॉज द रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. नाउ द लास्ट वन इज बायोलॉजिकल पोल्यूशन, जिसको हम ऑर्गेनिक पोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं. सो इससे क्या क्या होता है, इट मेनली इम्पैक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्वालिटी ऑफ एक्वेटिक एंड टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट. सो ये मोस्टली जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड जो स्पीशीज पानी में रहती हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करती है. एंड जो इसके मेजर पोल्यूटेंट्स हैं, दीज आर बैक्टीरिया, वायरसेस, हाउस डस्ट, वाटर डैमेज मटीरियल्स एंड इंसेक्ट्स. सो दीज आर द मेजर पोल्यूटेंट्स एंड इससे फैटल डिजीजेज होती हैं मोस्टली. एंड जो इसके मेजर जो डिजीज है वो है एंथ्रैक्स, प्लेग एंड स्मॉल पॉक्स. सो ये चीज़ें हमको इस फॉर्मेट में याद करनी है. सो फॉर पोल्यूशन इसमें किस तरीके से याद करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने टाइप के पोल्यूशन है एंड इनके क्या क्या मेजर फीचर्स हैं, इनसे क्या क्या होता है. सेकेंडली इनके मेजर पोल्यूटेंट्स क्या क्या है, वो कहाँ से जनरेट होते हैं, कैसे कैसे वो बनते हैं. थर्डली उनकी डिजीज़ क्या क्या हैं, उनसे क्या क्या होता है, उनकी जो मेजर डिजीज़ है, उनके जो मेजर कॉजेज़ हैं वो भी अच्छे से पढ़ने हैं बिकॉज मोस्टली क्वेश्चंस यहीं इसी सेक्शन से आने हैं. जो भी हमने अभी ये पढ़ा है मेजर पोल्यूटेंट्स एंड मेजर डिजीज़ क्वेश्चन और बाहर से कहीं से आता ही नहीं है पोल्यूशन से. सो पोल्यूशन के लिए यही सारा पढ़ के जाना है, बाकी चीज़ों को पढ़ना ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन सारे यहीं से आएंगे. तो अभी हमने एक्सप्लेन किया है पोल्यूशन जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है बिकॉज क्वेश्चन मोस्टली पोल्यूटेंट्स या फिर उनके डिजीज में आते हैं, जो कि हमने प्रॉपरली आपको चार्ट बना के एक्सप्लेन किया है. एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सॉल्विंग द एमसीक्यूज फॉर पीपल एंड एनवायरमेंट, जिनसे हमको पता चलेगा कि पोल्यूटेंट से क्वेश्चन आखिर में आते कैसे हैं. सो डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप जिनमें हम डेली मॉक टेस्ट पेपर लेते हैं. एंड टू नो अबाउट अवर कोर्सेज यू कैन ऑलवेज क्लिक द लिंक जो कि आपकी स्क्रीन में राइट साइड है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.